करंट जीरोड फ्रॉम दाइकिंग इन स्पाइट ऑफ द रजिंग वोल्टेज अक्रॉस दोला गया है इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो लो रखी जाती है ओके लो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस द करंट रीचेज टू दीरो वैल्यू ठीक है तो जो की वैल्यू होती है वो लो रखी जाती है जब तक जो हमारा करंट है वो जीरो वैल्यू को रीच ना कर ले। ओके जहां पे जो आर्क है जो वो एक्सटिंग होता है नेचुरली ठीक है जो आर्क है हमारा वो एक्सटिंग होता है बेसिकली नेचुरली ठीक है तो तब तक हम क्या करते हैं जो हमारा रजिस्टरस है उसकी वैल्यू जो होती है वो लो रखते हैं ओके एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीस्ट्राइकिंग यानी कि रीस्ट्राइक होने से जो हमारा सिस्टम है वो प्रिवेंट हो जाता है ओके okay, तो इन स्पाइट ऑफ राइजिंग वोल्टेज अक्रॉस द कांटेक्ट तो जो हमारा सिस्टम है वो रीस्ट्राइक होने से प्रिवेंट हो जाता है वोल्टेज जो होता है करंट के सॉरी जो कांटेक्ट के बीच में जो वोल्टेज वोल्टेज होता है ठीक है वो इंक्रीज होने होने की जगह होने से हमारा जो सिस्टम है वो बच जाता है ओके इन एन एसी सिस्टम सॉरी इन एन एसी सिस्टम करंट ड्रॉप्स टू जीरो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल हम सबको पता है कि हमारी एसी सिस्टम होती है तो ठीक है तो एवरी हाफ साइकिल में जो करंट होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये जीरो हो जाती है ठीक है जीरो वैल्यू ऑफ दी करंट ये तो हम सबको पता है ओके एट एवरी करंट जीरो आर्क एक्सटिंग्विशेस फॉर अ ब्रीफ मोमेंट तो जब एवरी टाइम जब ये करंट की वैल्यू जब जीरो होती है ठीक है यानी आफ्टर दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ये एक बार जीरो होती है उसके बाद फिर आफ्टर दी नेगेटिव हाफ साइकिल ये और जीरो हो जाती है तो जहाँ जब, जब जब जो करंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है तब तब क्या होता है जो एट एवरी दी करंट जीरो दी आर्क एक्सटिंग्विशेस फॉर अ ब्रीफ मोमेंट तो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए जो आर्क होता है वो एक्सटिंग्विश हो ही जाता है ओके okay. नाउ द मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स कंटेन्स आय एंड इलेक्ट्रॉन्स ये तो हम सबको पता है कि जो हमारा कॉन्टैक्ट uh, होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज गैस ये जो गैस मीडियम है ठीक है इसमें क्या होता है हम सबको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड आयस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सो दैट इट हैज स्मॉल डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इसकी रीजन से ये जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ठीक है ये इसकी जो वैल्यू होती है ये बहुत ही स्मॉल होती है ओके इट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय द राइजिंग कॉन्टेक्ट वोल्टेज नोन एज डिस्ट्रैकिंग वोल्टेज तो एक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज नाम का वोल्टेज होता है ठीक है द नेम इज इंडिकेटिंग ये ये वोल्टेज वोल्टेज है है जो इसकी वैल्यू रिस्ट्राइक करती है हमारे मीडियम को ठीक है तो इस रीजन से जो अः इसकी जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इस restriking voltage की वोल्टेज की वजह से इसकी जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है ओके okay, तो इसकी रीजन से ये जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज़िली ब्रेक डाउन हो जाती है ठीक है बिकॉज ऑफ द राइजिंग वोल्टेज तो क्या होता है इफ अ ब्रेक डाउन ऑकर अगर ये इस तरीके का अगर कोई राइजिंग वोल्टेज की वजह से सॉरी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से अगर कोई ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑकर होता है आर्क विल परसिस्ट फॉर अनादर ऑफ साइकिल यानी कि जो आर्क होता है वो परसिस्ट करता है फॉर अनादर Half cycle. Persist का मतलब क्या होता है टिका हुआ रहता है तो क्या होता है इस रीजन से जो आर्क होता है इफ सच अ ब्रेकडाउन ऑकर ठीक है तो अगर इस तरीके का ब्रेकडाउन कोई ऑकर होता है तो जो आर्क होता है वो अगेन अनादर हाफ साइकिल के लिए टिका हुआ रहता है ओके okay.

अगर इस तरीके का रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से अगर कोई ब्रेकडाउन ऑकर होता है तो जो जीरो करंट मेथड यानी कि सॉरी ये जो ये जो जीरो करंट की वैल्यू आ जाती है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल तो क्या होता है अगर ब्रेकडाउन इस तरीके का कोई ऑकर होता है तो जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आ जाती है तब भी ये जो फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो टिकी हुई रहती है ठीक है क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया है तो इस रीजन से जो फॉल्टी करंट है उसमें यानी कि गैस टाइप मीडियम में जो फॉल्ट करंट है वो फ्लो होते रहता है ठीक है तो हमें क्या करना है बेसिकली इस रिस्ट्राइकिन वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कम करनी है सो so दैट ये जो हमारा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है हमारे मटेरियल का वो बना रहे बना रहे सी देख ओके uh, okay. तो इस रीजन से जो गैस मीडियम है वो इजीली उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो ब्रेक नहीं होगी और जो हमारा फॉल्ट करंट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा उसको पाथ नहीं मिलेगा फ्लो होने के लिए ठीक है तो ये जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बेसिकली ये किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं इस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का बिल्टअअप किस तरीके से किया जा सकता है वो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं सो द फर्स्ट इज

क्या होता है आयनाइज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इज स्विपिंग द आयनाइज पार्टिकल्स अवे एंड रिप्लेसिंग देम बाय बाय अनआयनाइज्ड पार्टिकल्स ओके स्विपिंग Ionized particles in the space, sorry, away and replacing them by unionized particles. क्या बोला गया है हम क्या करते हैं इस आयनाइज पार्टिकल्स को स्विप कर देते हैं ठीक है रिप्लेस कर देते हैं उनको अन आयनाइज पार्टिकल के साथ तो इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं ये जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारे गैस मीडियम की यानी कि गैस टाइप मीडियम की वो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है तो अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा उस उतना इजीली ओके okay? और जो आर्क है हमारा वो एक्सटिंग हो जाएगा दिस दी लो करंट मेथड आज हमने लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस मेथड और जीरो करंट मेथड भी देख ली ओके okay, तो ये हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल ठीक है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ टर्म्स हैं ठीक है ठीके? कुछ डेफिनेशन हैं वोल्टेजेस की ठीक है तो वो हम देखेंगे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में